हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम करेंगे 10th ग्रेड की इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब ये वीडियो हमने क्यों बनाया है, क्या वजह है, तो उसका आंसर आपको बता दें। हमारे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स में हर बार ये रिक्वेस्ट हो रही थी कि मैम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स बता दीजिए, या इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइजेस के लिए कुछ बुक्स रेफर कर दीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से करें, ग्रामर के पोर्शन को कैसे कवर करें। तो इस तरह की मतलब हमारे पास सैकड़ों कमेंट्स आ रहे थे। तो अब आपको अगर हमें एक अच्छी बुक रेफर करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, हमें एनालाइज तो करना पड़ेगा कि हम कौन सी बुक आपको रेफर करें। इसीलिए हमने बहुत सारी बुक्स के स्ट्रक्चर, कंटेंट्स, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अवेलेबिलिटी होती है, सब बुक्स को एनालाइज किया, कंपेयर किया, और तब जाकर हमें जो बुक लगी कि आपके लिए बहुत यूजफुल है वो है फुल सर्कल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो पब्लिशर है उनकी फुल मार्क सीरीज, जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बुक है। इस बुक में लेटेस्ट CBSE सिलेबस जो है वो कवर किया गया है। आपका लैंग्वेज पोर्शन जो नहीं, जो ग्रामर का पोर्शन है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से ग्रामर बताई गई है। मेन बुक जो है यानी फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें प्रोज और पोयम पार्ट होते हैं वो है, और सप्लीमेंट्री रीडर जो है यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये वाली बुक भी जो है एक ही बुक के अंदर आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, लैंग्वेज का पोर्शन भी और लिटरेचर का पोर्शन भी। तो ये जो हमारा मेन वीडियो है इस वक्त, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि बुक में जो भी कंटेंट्स है कैसे कैसे दिए गए हैं, कैसे उसमें आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी इसमें जानकारी देंगे। आपकी ईज के लिए जो बुक का कवर पेज है और जो पब्लिशर की डिटेल्स है उसको हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दिखाया है, ताकि आप आसानी से उसको नोट कर सके, पसंद आए तो आप उसको जाकर खरीद सके। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं जो लैंग्वेज का पोर्शन है यानी जो ग्रामर पोर्शन। तो जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें सबसे पहला आपका पार्ट आता है रीडिंग का। रीडिंग में आपको बहुत सारे फैक्चुअल पैसेजेस और जो डिस्कर्सिव पैसेजेस हैं, इनके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे कि आप इन पैसेजेस को अगर एक बार पूरी तरह से सॉल्व कर लें तो काफी हद तक आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा पार्ट आता है राइटिंग का और ग्रामर का। अब राइटिंग में आपके आ जाते हैं जैसे लेटर्स हो गए, फॉर्मल लेटर्स, जिसमें आपके अलग अलग तरीके के लेटर्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, ऑर्डर प्लेस करने वाले जो लेटर्स होते हैं, एडिटर को लेटर लिखना है, आर्टिकल्स हैं, और फिर दूसरा पार्ट होता है स्टोरी राइटिंग का। तो इसके भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो आपको काफी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर हम ग्रामर पोर्शन की अपनी बात करें तो ग्रामर पोर्शन में जो मेन पार्ट होता है रिसोर्स मटेरियल जिसे हम कहते हैं, जिसमें टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, क्लॉजेस हैं, डिटरमाइनर्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, ये भी आपको फुल एग्जांपल्स के साथ सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी मिल जाएंगी। सेकेंडली इंटीग्रेटेड ग्रामर में जैसे गैप फिलिंग है, एडिटिंग टास्क है, या जो सेंटेंस रीऑर्डिंग और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये तो है आपका ग्रामर का पोर्शन। अब बात करते हैं लिटरेचर की। जो हमारा लिटरेचर का पार्ट है उसमें दोनों ही जो आपकी बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें जो जो पोर्शंस कवर किए गए हैं या जिस तरीके से आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, तो सबसे पहले आपको ऑथर के बारे में बताया है, उसके बाद बता रहे हैं कि थीम क्या है उस स्टोरी की, थर्ड पोर्शन आता है कि उसकी एक छोटी सी समरी दी गई है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि स्टोरी क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये समरी दी गई है। अब चैप्टर को याद रखने के लिए जो मेन पॉइंट्स है स्टोरी के उसके बाद वो बताए गए हैं, फिर जो भी स्टोरीज में कैरेक्टर्स थे क्या क्या कैरेक्टर्स थे उनका कैरेक्टर स्केच बताया गया है, वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए जो भी टफ वर्ड्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, फिर कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस दिए गए हैं, NCERT के जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व दिया गया है ताकि आप जो है जो भी क्वेश्चंस हैं आंसर्स हैं उनको पूरी तरह से कर सकें। इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है उसके अलावा भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो रेफरेंस के लिए आपके पास एडिशनल क्वेश्चंस हैं जिसमें लॉन्ग टाइप आंसर्स भी हैं, शॉर्ट टाइप आंसर्स भी हैं, और फाइनली इतना करने के बाद एक सेल्फ असेसमेंट है जिसमें आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन के आंसर्स जो है अब हमने पूरे कर लिए हैं, पूरी एक्सरसाइजेस कर ली है, तो क्या हमें ये चैप्टर पूरा समझ में आया।
उस चीज को असेस करने के लिए आप एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होगा, चाहे आपकी प्रोज की बुक हो या आपकी सप्लीमेंट्री रीडर हो, आप दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और जहां तक मेरे को उम्मीद है कि जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी चैप्टर को लेकर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो काफी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएं। हम इस बुक में जो भी दिया गया है उसका बहुत सारा पार्ट तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक गाइडलाइन के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी समरी जैसे दी गई है उसका थोड़ा सा पार्ट आपको बता रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि स्टोरी किस तरह से समझाई गई है। सबसे अच्छा पार्ट तो ये है कि जो भी स्टोरी या समरी बताई गई है वो पॉइंट वाइज बताई गई है, तो आप कहीं से भी कोई भी अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन इसमें कवर किया गया है। जैसे अगर हम हिंदी लेके चले तो लेंगो एक किसान था, फिर बारिश की बूंदे जो है उसके लिए एक सिक्कों के समान थी। अब उन्होंने उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन बताया है, बड़े बड़े ओलों की बारिश किस तरह से हुई, क्या हुआ, फसल कैसे बर्बाद हुई, फिर उसको क्या एक उम्मीद थी, एक ही आशा थी कि भगवान उसकी मदद करें, फिर एक अजीब सा पता होता है वो लिखता है जो पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट मास्टर द्वारा जो है किस तरह से सहायता करी जाती है, और फिर लैंको थे उनका जो डाकघर के कर्मचारियों के प्रति जो गुस्सा था, वो चीज जो है आप अगर इस तरह से स्टोरी को समझेंगे तो शायद आपको स्टोरी जो है वो एक तरह से मन में बैठ जाएगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये आपकी इस तरह से एक समरी बताई गई है। सेम वे यही फुटप्रिंट विदाउट फीट में है, उसमें भी जो समरी एक्सप्लेन की गई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसी तरीके से पॉइंट वाइज बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो समरी है वो बता देते हैं। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो यही है कि जो जेम्स हैरियट डॉक्टर थे वो डॉग को लेकर जो ट्रिकी था उसको काफी चिंतित थे। फिर जेम्स हैरियट जो है वो मिसेस पम्फ्रे को क्या सलाह देते हैं, उसमें क्या बताते हैं, ट्रिकी किस तरह से बीमार पड़ जाता है, ट्रिकी फिर हॉस्पिटल कैसे लाया जाता है, उसकी प्रोग्रेस कैसे होती है, और फिर फाइनली जो मिसेस पम्फ्रे है उनके प्रति कितना ज्यादा उनको ऑब्लिगेशन फील होता है, वो चीज जो है सबकी सब आपको बहुत अच्छे से समरी में पॉइंट वाइज बताई गई है। तो आपको आसानी ये होगी कि एक तो स्टोरी माइंड में बैठ जाएगी, दूसरा क्या है जब स्टोरी पढ़ लेते हैं उसके बाद मेन पॉइंट्स अगर आप उनके याद कर ले तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि हाँ, इस स्टोरी में अब इसके बाद क्या हुआ था। तो ये जो है आप अगर चैप्टर्स इस तरीके से कवर करेंगे, एक एक पार्ट उसका कवर करेंगे, तो वाकई में आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको और जाके अपनी क्वेश्चंस को पूछना भी पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो एज अ टीचर हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप जो है ये वाली जो बुक है फुल मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसको जरूर खरीदें और जरूर इससे पढ़ें, ताकि जो भी आपकी सवाल है, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है, आप मेरी बात को समझते हैं, तो आज ही कोशिश करें कि इस बुक को जरूर लाएं। ये फुल सर्कल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो पब्लिशर्स है उनकी बुक है। अभी हमने आपको जो ग्रेड 10 की इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है उसके बारे में बताया है, तो जरूर इस बुक को खरीदें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इसके बाद आपका जो भी इसको लेकर कमेंट होता है, रिमार्क होता है, वो हमारे चैनल को जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वाली बुक वाकई में हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू, बाय।